हम ग्रैंडपा के यहाँ क्यों रुक रहे हैं? मुझे यहाँ नहीं सोना मॉम। केविन, आज थैंक्सगिविंग है, आज के दिन सब साथ रहते हैं। हाँ, पर उनका घर कितना बेकार है और यहाँ ढंग से सोने की जगह भी नहीं है मॉम। मुझे सिर्फ अपने बेड पर ही सोना है। वो इतना जरूरी नहीं है बेटे, कम से कम तुम्हारे सर पर छत तो है। इसके लिए शुक्रगुजार रहो बच्चे, कुछ लोग बेचारे सड़क पर सोते हैं। हाँ सोते होंगे तो मैं क्या करूँ। हाय डैड, देखो मैं क्या लाई। हेलो बेटा, हैप्पी थैंक्सगिविंग। ओह थैंक यू। आ देखो तो कौन आया है, आ जाओ। उसे माफ कर दो डैड, थोड़ी देर में वो ठीक हो जाएगा। लाओ ये मुझे दो। खाने की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। तो काम कैसा चल रहा है आपका? सब कुछ बढ़िया चल रहा है, मैं अभी भी वही काम करती हूँ। और अच्छा सुनो, बुरा मत मानना, मैं बस अभी वापस आई। केविन, अपने कजिन्स के साथ हैंगआउट क्यों नहीं कर रहे हो? मुझे उनके साथ नहीं खेलना, मुझे बस आईपैड पर खेलना है। तुम अपने आईपैड के साथ कल भी खेल सकते हो। वापस दीजिए प्लीज। तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए कि तुम्हारे पास प्यार करने वाली बड़ी फैमिली है। मत भूलो, कुछ लोगों को अकेले ही थैंक्सगिविंग मनाना पड़ता है। तो उनकी किस्मत अच्छी है, काश मैं भी अकेला रह पाता। थैंक यू। आराम से खाओ। ये लो बेटा। खाने में चिकन कहाँ है? मुझे माफ करना केविन, हाथ जरा तंग चल रहा है तो इस साल मैं चिकन नहीं ला पाया। क्या आप मजाक कर रहे हैं? ऐसे थैंक्सगिविंग डिनर का फायदा ही क्या जिसमें चिकन ना हो? इतनी बड़ी बात नहीं है, और भी कितनी सारी चीजें हैं। पता है ऐसे भी लोग हैं जिनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए। बस कीजिए मॉम, सुन सुन के मैं पक चुका हूँ। दूसरों के पास कुछ नहीं है तो इसमें मैं क्या करूँ? इससे बकवास थैंक्सगिविंग हो ही नहीं सकता। केविन, अपना स्लीपिंग बैग लो और मेरे साथ चलो। क्यों? तुम समझ जाओगे। तुम्हें अंदर ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। तो और मैं क्या करता? अब जबरदस्ती मुझे फैमिली के पास ले आई, एक छोटे से घर में स्लीपिंग बैग पे सोने को बोल रही हैं, और वहाँ खाने में चिकन तक नहीं था। तुम्हें अंदाजा है कितने लोग तरसते हैं उन सारी चीजों के लिए जिसके लिए तुम शिकायतें कर रहे हो? अब बार बार यही क्यों बोलती रहती है? उस आदमी को देख रहे हो तुम? जाओ जाकर उसे ये दे दो। इस खाने में तो चिकन तक नहीं है मॉम, वो उठाकर फेंक देगा। जाओ दे दो उसे। ठीक है। जरा सुनिए, मेरी मॉम ने आपको ये देने को कहा है। ये बचा हुआ खाना है और इसमें चिकन नहीं है। पता नहीं आप खाएंगे या नहीं, पर बहुत शुक्रिया बच्चा, मुझे बहुत भूख लगी है। सोचा था आज भूखा सोना पड़ेगा। ईश्वर भला करे, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखना। वाओ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। चलो अभी हमें एक दूसरी जगह भी जाना है, आ जाओ। वो औरत दिख रही है तुम्हें? जाकर उसे ये स्लीपिंग बैग दे दो। ओके? क्या नहीं, फिर मैं कहाँ सोऊंगा? उसकी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें ब्लैंकेट्स दे दूंगी। जाओ उसे दे दो। सुनिए आंटी, सॉरी आपको जगाने के लिए, पता नहीं आपको ये चाहिए या नहीं, पर
ये मेरा स्लीपिंग बैग है। एक स्लीपिंग बैग? ये सपना तो नहीं? तुम सोच भी नहीं सकते मुझे इसकी कितनी जरूरत थी। बड़ी ठंड है। शुक्रिया। कोई बात नहीं। हैप्पी थैंक्सगिविंग। अच्छा हुआ मैंने उन्हें वो दे दिया, वरना ठंड में उनका बुरा हाल था। जिन चीजों को तुम बेकार समझते थे, देखा वो लोगों के लिए कितनी कीमती है। ओके, अब हम घर जा सकते हैं। सुनो, तुम ठीक तो हो ना? तुम रो क्यों रही हो? वो कुछ नहीं है, आप जाइए। तुम हमसे बात कर सकती हो? बताओ क्या बात है बच्चे? मैं फैमिली को मिस कर रही हूँ। पिछले साल मेरे पेरेंट्स गुजर गए और ये पहला थैंक्सगिविंग है जो मुझे अकेले बिताना पड़ रहा है। ये तो बहुत बुरा हुआ। देखो तुम चाहो तो हमारी फैमिली के साथ थैंक्सगिविंग मना सकती हो। नहीं, मुझे बोझ नहीं बनना। प्लीज, हमें बहुत अच्छा लगेगा। आ जाओ। तुम्हारे लिए। तुमने जो कुछ भी किया है मैं ये कभी नहीं भूल पाऊंगी। कोई बात नहीं, इसे अपना ही घर समझो और हम सबको अपनी फैमिली। मुझे तुम पर नाज है केविन। पता है क्या, हम घर चलते हैं ताकि तुम अपने बेड पर सो सको और तुम्हारा आईपैड भी वापस कर रही हूं। सच में? पर मॉम, मुझे ना अब यहीं पर रहना है। मेरे पास जो है मैं उसकी कीमत समझ चुका हूं और ये मेरा अब तक का सबसे बेस्ट थैंक्सगिविंग है। थैंक यू सो मच। ओ मेरी जान, आई लव यू। आई लव यू टू मॉम। ग्रैंडपा, खाना बहुत अच्छा है। थैंक यू बेटा। Hey, Darman fam, I hope you love that message. Please remember, we're not just telling stories, we're changing lives. And when you share my videos, you're helping to change lives too. I appreciate you, and I'll see you in the next video.